श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों क्लास 12 के बहुत अच्छा चैप्टर लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन, जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी चैप्टर का एक पार्ट है डिफरेंशिएशन। ये पार्ट 4 वीडियो होने वाला है बच्चों। इससे पहले मैंने पार्ट 3 तक के वीडियो बनाए थे, आप उनको जरूर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है बच्चों। उसमें आपको एक बेसिक जो डिफरेंशिएशन होता है ना, जहां आप सीखते हैं बिल्कुल एकदम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल अनजान है, वो डिफरेंशिएशन उसका करने का जो तरीका है वो आपको बताया गया है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन है। तो आज हम जो सवाल पढ़ेंगे बच्चों, उसमें हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय द फंक्शन x माइनस 1 मॉड है, x बिलोंग्स टू r इज नॉट अ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। 1 पर फंक्शन क्या है बच्चों? डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पर ये जो फंक्शन है बच्चों, इस पॉइंट पर क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। वैसे तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, बट इज नॉट डिफरेंशिएबल इस पॉइंट पर है, मतलब सारे नंबर पर डिफरेंशिएबल है बट इस नंबर पर डिफरेंशिएबल नहीं। तो बच्चों इस चीज को हम प्रूव कैसे करेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, फॉर्मूला आना चाहिए। और वो फॉर्मूला ये होता है बच्चों कि राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर हम क्या कर दें, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कर दें, इक्वल कर दें किसके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। किसके? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। हम ये प्रूव कर सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो बच्चों नॉट इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों मैं सिंपल सा आपको बता दूं कि d अपॉन dx ऑफ fx इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो है वो लिख रहे हैं बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये फॉर्मूला होता है राइट हैंड डेरिवेटिव का बच्चों। और d अपॉन dx fx को ही तो हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, f डैश x पढ़ते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो f डैश x का मान लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h तो है, लेकिन इस x पर, इस x के पॉइंट पर किस वैल्यू पर चेक करना है आपको, 1 पर, तो मैं x की जगह क्या लगा दूंगा, 1 लगा दूंगा बच्चों, और उसी पर हम लोग चेक कर लेंगे। अब आप कहेंगे ये तो रहा चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, मैं यहां लिख सकता हूं, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है वो भी लिख दूं बच्चों, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। d अपॉन dx ऑफ fx आपका यही रहेगा, लिमिट लगाना होगा, लिखना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है बच्चों, यहां लिखना होगा fx माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h। ये फॉर्मूला आपको, ये दोनों फॉर्मूले आपको, अगर ये सवाल लगाना है, ये सवाल अच्छे से करना है, देन ये दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए बच्चों। अगर ये फॉर्मूले आपको याद है, और याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं दोनों फॉर्मूले पर हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूला तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मॉड का जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल कैसे नहीं होता है, इस पॉइंट पर ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले बच्चों ये मॉड x माइनस 1 है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मॉड x लिखा रहता था तो आपको एक बेसिक जानकारी दे दूं कि मॉड x है, इसके अंदर का जो x है यानी क्रिटिकल पॉइंट्स x इज इक्वल टू 0 कर दें, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है उसको आप 0 से इक्वल कर दें तो आपको 0 ही तो मिलेगा, x इक्वल टू x है ना, तो x इक्वल टू 0 मिलेगा। अब x जब 0 मिलेगा तो बच्चों उसको नंबर लाइन पर रख देना है और दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्या होगा, x का मान 0 से छोटा हो जाएगा और x का मान कहीं ना कहीं 0 से बड़ा भी है और 0 के इक्वल भी लेना पड़ेगा अगले वाले पार्ट में, किसी एक पार्ट में तो शामिल करना पड़ेगा ना इसको, तो आगे वाले पार्ट में आप इसको शामिल करिएगा। तो सेम प्रोसेस आपको इसमें भी अप्लाई करना है, बट अभी आपको क्या देखिए, x का मान 0 से छोटा है, अगर हम कोई भी x का मान बच्चों का 0 से छोटा लगाएंगे, लेस देन लगाएंगे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए वैल्यू नेगेटिव खुलेगा, क्या खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। तो ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है, तो बच्चों देखिए x का मान आप 0 से छोटा लेंगे, देन आप सोचिए कुछ x की जगह आपने ले लिया -2, क्या ले लिया, तो यहां -2 लगेगा, तो यहां भी -2, तो -2 क्या हो गया +2, यानी कहने का मतलब बच्चों कि मॉड x तो हमेशा पॉजिटिव रहता है ना, तो यही चीज तो यहां साबित हुई है। अब आपको समझ में आ गया ना, तो ये ध्यान रखना है। और फिर दूसरा क्या, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अब कहीं ना कहीं 0 को भी आप ले लिया है दूसरा वाला पार्ट, तो बच्चों यहां पे अगर x का मान आप 0 लेंगे देन उसका रिजल्ट 0 आएगा, 0 ना तो पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही नेगेटिव नंबर होता है बच्चों, इसलिए हम 0 से बड़ा कोई नंबर ले लेंगे, जैसे 2 ले लिया तो 2 लेंगे तो आप 2 ही आएगा, 3 लेंगे तो 3 ही आएगा, ऐसा कोई भी पर्टिकुलर पॉजिटिव नंबर लेंगे 0 से बड़ा तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, यानी क्या मिलेगा आपको, वही नंबर मिलेगा यानी x। तो बच्चों यहां पे तो मॉड x नहीं है ना, यहां पे x माइनस 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जैसे x का क्रिटिकल पॉइंट x को 0 से इक्वेट किया है, वैसे ही आपको x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकालनी होगी
और उसको नंबर वाइज पता किए, उसको ब्रेक करके उसको समझना होगा कि कितने पार्ट में डिवाइड है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, तो बस इस एक्स की जगह आपको एक्स माइनस वन लगा देना है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करेंगे मॉड एक्स माइनस वन। तो मॉड एक्स माइनस वन फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। देखिए बच्चों समझिएगा, इफ एक्स का मान अगर एक से बड़ा आए या फिर एक ही आए, याद रखिएगा दो सिचुएशन है यहाँ पे। नंबर लाइन पर अभी आपने देखा है, सेम वही आपको इसमें भी अप्लाई करना है। एक्स का मान एक हो या एक से बड़ा हो तो आपको ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि मॉड की जो वैल्यू होगी ना बच्चों को हमेशा पॉजिटिव मिलेगा आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों कि अगर मान लीजिए एक्स का मान एक से क्या है, एक से छोटा है, तो ये मॉड नेगेटिव खुलेगा बच्चों। क्या खुलेगा? नेगेटिव खुलेगा, यानी कि मॉड एक्स माइनस वन हो जाएगा। क्या मतलब? मॉड एक्स माइनस वन की वैल्यू माइनस का एक्स माइनस वन हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों को क्या करना है, हमें राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू वन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एट एक्स इक्वल टू वन पर राइट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला आपके सामने है बच्चों, तो आपको अब प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आप देख सकते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला लगा हुआ है। तो आप हम यहाँ लिखेंगे एफ डैश, एक्स की जगह क्या लगाएंगे बच्चों, एक्स की जगह आप वन लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वन पे चेक कर रहे हैं आप। लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब एफ एक्स, एक्स की जगह वन लगाएंगे, वन प्लस एच माइनस एक्स की जगह वन लगाएंगे बच्चों, नीचे एच ही रह देंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप कहेंगे यार हमें ये वैल्यू f1 plus h और f1 कहां से मिलेगा, ये भी बात सही है आपकी, ठीक है। तो ये भी बात बता रहे हैं कहां से मिलेगा, लेकिन लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके f1 plus h यानी x का मान, देखिए x की जगह ही तो आया हुआ है। तो अगर x का मान यहां पे समझिएगा, अगर x का मान 1 से क्या हो, बड़ा हो, 1 plus h हो रहा है ना, 1 से ज्यादा हो रहा है, तो यानी x का मान 1 से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो x का मान अगर 1 से ज्यादा है, ग्रेटर है, तो कौन सा आपका है, x ग्रेटर देन पर मॉड x माइनस 1 की वैल्यू क्या रही है, x माइनस 1, यानी ये फंक्शन है ना f, यहां पे x की जगह अगर आप 1 plus h लगाएंगे तो 1 plus h के हिसाब से आपको ये वाला फंक्शन मिल जाएगा, क्योंकि x का मान 1 से बड़ा है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो बच्चों x का मान अगर 1 से बड़ा है यानी 1 plus h है, तो आपको इस x की जगह 1 plus h लगाना होगा। यहां पे देखिए x है, x की जगह ये फंक्शन है और x की जगह 1 plus h है, यहां 1 plus h लगेगा, तो यहां 1 plus h लगेगा, यहां 1 plus h लगेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो वही चीज यहां पे करना है बच्चों, यहां लिखेंगे हम 1 plus h minus 1, ये हो गया फंक्शन है f1 plus h की वैल्यू माइनस f1, f1 कहां से मिलेगा बच्चों, x की वैल्यू 1 ही है, तो 1 में भी यही मान है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना, तो x की जगह 1 लगेगा, तो यहां 1 लगेगा, तो 1 minus 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या है, h as it is रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 1 काट दीजिए बच्चों। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां बचेगा केवल और केवल h by h, और इसको काट दीजिए, वैल्यू आएगी 1, और 1 में लिमिट लगा नहीं सकते क्योंकि उसमें h नहीं है, तो वैल्यू का आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बच्चों वीडियो को पॉज करके राइट हैंड डेरिवेटिव का ये पार्ट आपको नोट कर लेना और वो फॉर्मूला नोट करना है। हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। तो चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे आते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे आते हैं बच्चों, और इसको लिखा रख दीजिए क्योंकि फंक्शन हमको इसी से लेना होता है। तो अब हम एट एक्स इज इक्वल टू वन पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी बच्चों वही काम करना है, एफ डैश एक्स की जगह क्या लगाना है हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, एफ एक्स का मतलब यहाँ पे बच्चों एफ डैश एक्स होता है और एक्स की जगह लगेगा वन, यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू क्या लिखना है, जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स की जगह लगेगा वन माइनस एच माइनस का एक्स की जगह लगेगा वन, नीचे आपका है माइनस। अब इसको समझिएगा, इसको समझिएगा बेटा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स का मान एक से कम, वन माइनस एच, यानी यार वन में से कुछ घटाओगे तो कम ही होगा ना, यानी एक्स का मान जो होगा ये एक्स की जगह आया है ना, एक से कम हो जाए, एक्स का मान लेस देन वन हो जाए, तो क्या होता है, इसका मान एफ एक्स का माइनस एक्स माइनस वन है बच्चों, तो यहाँ माइनस लगाएंगे और एक्स की जगह लगाएंगे वन माइनस एच, क्योंकि यहां पे भी आपका लगेगा, तो वन माइनस एच माइनस वन माइनस एच यहां लगेगा, फिर माइनस वन लगेगा, फिर माइनस एफ वन की वैल्यू क्या होगी, एक्स का मान जब वन ही हो
वन ही हो तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा वन, यहाँ वन माइनस वन क्या हो गया बच्चों जीरो अपॉन माइनस एच, माइनस एच हो जाएगा, वन से वन कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ मिलेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा और नीचे माइनस एच बचेगा, एच से एच कट के वैल्यू कितना आएगा माइनस वन। आप देख सकते हैं कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव था बच्चों उसमें वन आ रहा था और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस वन आ रहा था आ रहा है। देख सकते हैं बच्चों यहां लिखना पड़ेगा कि भाई राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्यों नहीं है बच्चों एट एक्स इज इक्वल टू वन पर, वन पर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, देन जो फंक्शन होगा वो क्या होगा यहां लिखना होगा बच्चों fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कैसे? राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इतनी सी बात आपको यहां पे लिखनी है बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा बच्चों, इसलिए हम केवल ऐसे क्वेश्चन आपके पास लेकर आए थे कि जो कि आपको समझा सके हम कि ये सवाल आप कैसे लगाएंगे, ये मॉडुलस का एक सवाल था और फिर ये नॉट डिफरेंशिएबल में था तो मैंने सोचा है ऐसा सवाल आपको बताया जाए। ठीक है बच्चों, तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।